फ्रेंड, मैं आज लेकर आया हूँ MHA IB का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 फरवरी 2019 को। आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सुरक्षा सहायक सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पोस्ट आई थी 2018 में वैकेंसी, हालांकि इसकी 17 फरवरी 2019 को एग्ज़ाम हुई थी, उसकी क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे सच में। अगर आप एग्ज़ाम छोड़ दिए होंगे या फिर एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरे होंगे, बहुत पछता रहे होंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद पता चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन देखने से पहले अगर मेरे से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस साइंस स्किल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये सब इंस्ट्रक्शन है। ये मेरी रोल नंबर थी, मैंने भी एग्ज़ाम दी है। बाकी इंस्ट्रक्शन थे कि कितने क्वेश्चन गलत करने पे कितने मार्क्स काटे जाएंगे, ये सब सारे इंस्ट्रक्शन थे। तो चलिए मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चंस थे मैथ्स का, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आप देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, व्हाट आर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल ऑफ 672 एंड 120। मतलब इसका लघुतम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालना था पहले क्वेश्चंस में, तो इसका राइट आंसर ये हो जाता 6 and 360। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, यदि द्विघातीय बहुपद मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y = x² + bx + c किसी धुरी x को अल्फा बीटा पर काटता है तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो α + β - b/a सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि यदि द्विरेखीय समीकरण ax + by = c और dx + ey = f है और साथ ही साथ ab = ba/e = c/f है, तो दोनों समीकरण के बारे में कौन सा सत्य है? तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो NCERT की बुक्स पढ़े होंगे, और दोस्त क्लास टेंथ की एकदम बिल्कुल, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उससे एकदम हूबहू क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए थे IB के एग्जाम में। आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चंस को, तो संपाती रेखाएं होती है, अगर ये कंडीशन होती है तो संपाती रेखाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इतना, यानी कि द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या क्या होते हैं? तो आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की दो मूलें आएंगी तो राइट आंसर 16 भी होंगे और -33/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे शुरू में ही ए वाले ऑप्शन को फर्स्ट में रखा है, बी वाले ऑप्शन को सेकेंड में, सी वाले ऑप्शन को थर्ड में और डी वाले को, यानी कि जो भी चार कॉलम दिए गए हैं उसको ABCD करके बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लिए थे, पांचवे क्वेश्चन को देखते हैं, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर यानी कि 1 से लेकर 100 तक का योग कितना होगा? n×(n+1/2) से निकाल सकते हैं 5050। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है और EF = इतना है, तो BC आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप पाएंगे कि 11.2 सेंटीमीटर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल था, एक त्रिभुज जिसका शीर्ष यानी कि कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहेगा तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये भी टेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगर तीन कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है तीनों वर्टिसेस का, ट्रायंगल का वर्टिसेस का, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आएगा आंसर 21 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट त्रिभुज क्वेश्चंस थे, 2×tan30 बिल्कुल वैल्यू पुट करने वाला था, tan 30 का वैल्यू पुट कर देते हैं जितना आता, और बटा में था 1+tan²30 किसके बराबर है? तो sin 60 डिग्री का फार्मूला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर, एक बिंदु जो मीनार के निचले सिरे से 30 मीटर दूर स्थित है से मीनार शीर्ष का यूनियन कोण 30 डिग्री है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, सॉल्यूशन करेंगे 10√3 मीटर आएगा, सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है, बोल रहा है किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर था और स्पर्श रेखा का वैल्यू दिया हुआ था, तो वृत्त का त्रिज्या पाइथागोरस पर में लगाएंगे, राइट आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में मिनट की सुई कितना स्थान तय करेगा? तो त्रिज्यखंड बनाएगा। आप जानते हैं 1 मिनट में मिनट की सुई 30 डिग्री बनाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री बनाती है मिनट की सुई, तो थीटा 30 डिग्री हो जाएगा और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से निकालेंगे तो राइट आंसर इसका बनेगा 154/3 cm². नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन, ए मेटेलिक स्फेयर
चलिए हिंदी पढ़ देते हैं। एक सॉरी कहाँ से क्वेश्चन है, एक 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सिलेंडर यानी कि बेलन के आकार में पुनः परिवर्तित किया गया है, तो सिलेंडर की ऊंचाई, तो सिलेंडर की ऊंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का आयतन फार्मूला लगा लेंगे, बराबर कर लेंगे और हाइट निकाल लेंगे। एक बक्से में तीन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 है, तीन ब्लू है, दो सफ़ेद हैं, चार लाल बॉले कांच की गोलियां रखी हुई हैं। यदि बक्से में अदृश्य बिना सोचे समझे निकाली जाती है, कौन सी सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है, तो सफ़ेद कितनी है, दो, और टोटल बॉल कितनी है, 4 2 6 3 9, तो 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक घटना प्रायिकता नहीं, बोल रहा है कि चार ऑप्शन में से प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है, तो आप जानते हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होती है, 0 से 1 तक होती है, लेकिन माइनस में तो कभी नहीं होती है, तो ए नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, पग विचलन विधि द्वारा, सॉरी यहाँ से क्वेश्चन है, एक संबद्ध आंकड़े को माध्य अगर प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकालें, चाहे कल्पित माध्य विधि द्वारा निकालें या फिर पग विचलन द्वारा निकालें, बात तो सब बराबर ही है, इसलिए किसी भी विधि से अगर माध्य निकालें सबका वैल्यू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ प्राइम नंबर, बोल रहा है कि चार ऑप्शन दिया हुआ था, 12 7 9 4, इसमें से कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 7 है। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना विभाजित है, बहुपद इतना से, तो लब्धि और शेषफल, लब्धि का मतलब होता है भागफल और शेषफल क्या होगा, तो बहुपद का भाग सीखे होंगे आप, तो अगर भाग करेंगे तो भागफल इतना आएगा, शेषफल इतना आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, और इसमें तो अभाज्य संख्या का आंसर आप खुद देख पा रहे होंगे, 7 आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य प्राइम नंबर का डेफिनेशन खुद जानते हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक त्रिभुज ABC में भुजा ABAC और ये दिया हुआ है, तो कोण कितना होता है, तो पाइथागोरस में अगर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री मतलब कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर होता है, तो उस पर 90 डिग्री पर फिट बैठ जा रहा है तीनों, इसलिए एंगल बनेगा 90 डिग्री। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो दोनों रेखाओं को जोड़ने वाली है और m/n यानी कि 2:3 में विभाजित हो रहा है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा, तो 1 और 3 आंसर होगा, यानी कि दो लाइन को जोड़ने वाली अगर 2:3 में के अनुपात में विभाजित करना है, तो उसका निर्देशांक 1:3 होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट मैथ का क्वेश्चन का, कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या आर है, तो उसका आयतन, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, यानी कि आर त्रिज्या है और ऊंचाई एच है, तो उसका आयतन क्या होगा, तो 1/3 πr² होता है। तो थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह से अभी अगर मैथ्स का क्वेश्चन लाएँ, आगे हम GK GS का लाएंगे, तो मेरे से जुड़े रहें। थैंक यू।